भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पर लगातार तोहमतें लग रही हैं कि खेसारी लाल यादव बड़े ही खुश हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव हार गए। और वैसे भी आजकल इन दोनों में मनमुटाव इतना ज़्यादा है कि लोग बातें बना रहे हैं। आपको बता दें कि इन दोनों के मनमुटाव के बीच कोई तीसरा गेम खेल रहा है। अब वो तीसरा कौन है ये तो वक्त आने पर सभी को पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये बता दें कि खेसारी लाल यादव पर मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती। कभी उन्हें बिहार के गुंडों की तरफ से मारने की धमकी आती है तो कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ही लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते। खैर, हम आपको यहाँ ये बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव लगातार मुसीबतों में क्यों पड़ते जाते हैं। यहाँ तक कि जो बातें वो कहते नहीं वो भी मीडिया में कुछ इस तरह गूंज जाती है कि खेसारी लाल यादव ने ये कह दिया, खेसारी लाल यादव वो कह दिया। और जब खेसारी लाल यादव से पूछा जाता है तो खेसारी लाल यादव का जवाब होता है, इससे तो वो वाकिफ ही नहीं है। वैसे इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर हर जगह ये खबर फैलाई जा रही है, दिनेश लाल यादव के हार जाने की वजह से खेसारी लाल यादव कुछ ज्यादा ही खुश है। उन्हें अच्छा लग रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपनी औकात पता चल गई, अच्छा हुआ वो हार गए और अब हर एक इल्ज़ाम से डिनाई किया है। उनका ये कहना है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ उनके बड़े भाई हैं, आज वो जो कुछ भी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की वजह से हैं। अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इनिशियल स्टेज यानी कि जब उनकी फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज़ होने वाली थी उसे रिलीज़ कराने का बीड़ा नहीं उठाते तो आज खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव नहीं होते। उन्होंने कहा कि जो लोग फैला रहे हैं कि मैं उनकी हारने से खुश हूँ ये गलत बात है, और दूसरी बात जो लोग ये फैला रहे हैं कि मैं उनका चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गया, रवि किशन का चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गया, तो आपको बता दें खेसारी लाल यादव यहाँ ये कहते हैं कि वो मनोज तिवारी के लिए उनका चुनाव प्रचार करने गए थे और दिल्ली में लगातार उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब उनकी बात दिनेश लाल यादव निरहुआ से हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ रहने दो, जहाँ तुम चुनाव प्रचार कर रहे हो वहीं करो। यानी कि खेसारी लाल यादव यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ के चुनाव प्रचार की पेशकश उनके सामने की थी, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ही इसे डिनाय कर दिया। अगर बात यहाँ पवन सिंह की जाए कि पवन सिंह सभी के चुनाव प्रचार में गए तो यहाँ आपको बता दें कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी में थे और इस वजह से उन्हें हर जगह बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने जाना ही था। लेकिन खेसारी लाल यादव न बीजेपी के नेता हैं और न बीजेपी ज्वाइन की है, तो उनकी मर्जी जहां होगी वो जाकर आएंगे चुनाव प्रचार के लिए। खैर, इन बातों को बढ़ता हुआ देख खेसारी लाल यादव जल्द से जल्द दिनेश लाल यादव निरहुआ से जरूर संपर्क करना चाहेंगे, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ को वो आज भी अपना बड़ा भाई मानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।